नमस्कार, मैं हूं दिवांशी मोइत्रा। प्रधानमंत्री मोदी को पहले फॉलो करने फिर अनफॉलो करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वैसे तो इस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया में अमेरिका को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बात को लेकर अमेरिकी व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि उसका ट्विटर हैंडल आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान ही मेजबान देशों के ऑफिशियल अकाउंट को कुछ समय के लिए फॉलो करता है, और ऐसा इन ऑफिशियल्स की ओर से यात्रा के समर्थन में किए जाने वाले संदेशों को रीट्वीट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि इसी साल फरवरी के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @WhiteHouse ने भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, PMO, इंडियन एम्बेसी इन US, द US एम्बेसी इन इंडिया और भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर के अकाउंट्स को फॉलो करना शुरू किया था। लेकिन अचानक इस हफ्ते की शुरुआत में व्हाइट हाउस ने इन सभी 6 ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की माने तो व्हाइट हाउस ट्विटर अकाउंट सामान्यतः अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के ट्विटर अकाउंट और अन्य उपयुक्त लोगों को फॉलो करता है। जैसे कि राष्ट्रपति की यात्रा के समय अकाउंट आमतौर पर थोड़े समय के लिए मेजबान देश के ऑफिशियल्स का यात्रा के सपोर्ट में उनके मैसेजेस को रीट्वीट करने के लिए फॉलो करता है। व्हाइट हाउस की ओर से राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी, पीएमओ और अन्य भारतीय अधिकारियों के ट्विटर हैंडल को पहले फॉलो फिर अनफॉलो करना उसी हिस्से की प्रक्रिया थी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों अमेरिकी सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अनफॉलो किया। अब हम आपको एक जानकारी देते चलें कि व्हाइट हाउस के 22 मिलियन यानी 2,20,00,000 फॉलोअर्स अभी हैं। ये परंपरागत तौर पर 13 अकाउंट को फॉलो करता है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल द फर्स्ट लेडी, वाइस प्रेसिडेंट, द सेकेंड लेडी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आदि शामिल होते हैं। तो अब आप सही तरीके से जान चुके होंगे कि आखिर क्यों व्हाइट हाउस ने सफाई दी और क्यों भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अनफॉलो किया गया।